आज हमारा विषय है एचसीएफ और एलसीएम को बुनियादी स्तर पे शुरुआत से समझना। और एचसीएफ और एलसीएम को समझने से पहले हमारे को मल्टीपल और फैक्टर जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। गणित में मल्टीपल क्या होती है और फैक्टर क्या होती है, जब तक हम नहीं समझेंगे तो फिर एचसीएफ और एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे कॉन्सेप्ट को हमारे को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इससे पहले कि हम एचसीएफ और एलसीएम पे आगे बढ़े, चलो मल्टीपल और फैक्टर को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं मल्टीपल के साथ। मल्टीपल क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। ये सारे काउंटिंग नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से और भी हमारे को काउंटिंग नंबर्स मिलते रहेंगे, है ना भाई। इस तरह से हमारे को काउंटिंग नंबर्स मिलते जाएंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 इस तरह से। अगर इन काउंटिंग नंबर्स को अगर हम किसी एक खास नंबर इनमें से किसी भी एक के साथ सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा ना, अनंत तक। तो अब मैं ऐसा नंबर मुझे इसमें से कोई भी बताओ जिससे कि मैं इन सभी को क्या करूं, गुना करूं। ये गुना है ना मल्टीप्लाई, तो कोई भी चुन के बताओ एक नंबर। 2, 2 के साथ मैं इसको भी करूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। 2 के साथ मैंने सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत। एक मुझे बात बताओ, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे नंबर्स की सीमा है कि असीमा है? असीमित है ना, अनगिनत है, क्योंकि नंबर्स तो रुकेंगे नहीं, लाखों करोड़ों अरबों। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होने वाले गिनने लायक नंबर है या अनगिनत है? अनगिनत है। अरे भाई, जब नंबर ही अनगिनत है तो गुना होगा 2 अनगिनत बार ना, कोई दिक्कत। तो उसके रिजल्ट जो है आंसर, जब अनगिनत गो नंबर से, भाई देखो, जब अनगिनत टू नंबर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो अनगिनत बार आंसर आएगा ना भाई, अनगिनत प्रकार के आंसर आएंगे ना। तो जब 1 से 2 मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 आया, 4 आया, पहाड़ा तो याद है ना भाई, ये विस्फोटे कर दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत। बोला जोर से आवाज देके, बोलो जी। 14, बहुत बढ़िया। 16, 18, 20। तो अब बताओ ये कहानी रुकेगा कि चलते रहेगा? चलते रहेगा, ठीक है ना। अगला आएगा कितना, 22, 24। बोलो, वाह वाह वाह, मल्टीप्लाई तो मल्टीपल तो सीख ही रहे हो, अब हम बताते हैं मल्टीपल। तो जरा देखना, यहाँ पे हर जगह कौन सी नंबर मल्टीप्लाई हो रही है? 2, 2। बहुत बढ़िया, और ये सिलसिला चलता रहेगा ना इन्फिनिटी तक। कितना तक? अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अप टू मतलब तक, अप टू इन्फिनिटी माने अनगिनत तक चलता रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस नंबर हैं। क्या है? नंबर। कोई शक? लेकिन सब में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन है? 2। ऑल राइट, तो 2 का लिए 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या निकलता है? 2। 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर निकलता है 4। 3 से? 6। 4 से? 8। 2, 5 से? 10। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को क्या कहा जाता है? फैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। पर किसका फैक्टर? 2 का फैक्टर, जो रिजल्ट निकलता है। अब ये 2 का इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2 पहला बार कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा? प्राकृतिक संख्या 1 से। तो 2 का पहला जो मल्टीप्लाई होके निकलता है उसे कहते हैं 2 का पहला मल्टीपल। ये रिजल्ट्स को मल्टीपल कहा जाता है। गुना का जो रिजल्ट होता है, मल्टीप्लाई का जो 2 नंबर के मल्टीप्लाई का रिजल्ट होता है, उसमें से ये इसीलिए 1 का भी मल्टीपल हुआ, 1 का 2 से और 2 का 1 से। तो 1 का मल्टीपल भी 2 है और 2 का मल्टीपल भी 2 है,
तो वन का टू से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल टू है और टू को वन से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल टू है। तो अनसरवा जो टेबल में निकलता है ना इक्वल टू लिख के वन वन जो वन वन टू जो टू जा करता है ना एक 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 दूनी दू एक तीन तीन तिया वो सब इक्वल इसको ही मल्टीपल हो गए। ठीक है कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा तो ये तो हुआ किसका मल्टीपल सब दो का, दो का पहला मल्टीपल, दो का दूसरा मल्टीपल, दो का तीसरा मल्टीपल, दो का चौथा मल्टीपल, दो का पांचवा मल्टीपल, दो का छठा मल्टीपल। अरे चलो ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछते हैं, दो का ग्यारहवा मल्टीपल कितना होगा? दो का दसवा है बीस तो दो का ग्यारहवा बाईस। अरे बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया ना? यस सर। तो दो का सौवा मल्टीपल कितना होगा? 200 दो गुने सौ, दो का 300वां मल्टीपल कितना होगा? 600। अरे वाह मैथमेटिक्स में बहुत तेज हो गए तुम लोग, तो समझ में आ गया ना मल्टीपल क्या होता है? यस सर। तो बताओ मल्टीपल बेटा सिखाई ले हम तुमके सीट पर ले जाएं, अब आएगा ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। तो अब इससे पहले मल्टीपल तो समझ चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट किस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है? यह एक नंबर है, यह एक दूसरी नंबर है, दोनों के बीच क्या हो रहा है? गुना। ठीक है, और उत्तर कितना आ रहा है? 8। ठीक है, तो इन दोनों का ये क्या है? तीसरा प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, पर इसका ये दोनों लोग क्या क्या है? इन दोनों का तो ये प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई होके आया तो दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन इसका ये दोनों लोग क्या है? समझे ना बात को? है दो और चार को जब गुना किए तो जो निकलेगा ये इन दोनों का क्या लगेगा? प्रोडक्ट दोनों का, लेकिन अकेले का क्या लगेगा? मल्टीपल। याद आया ना? एक बार ये चार के मल्टीपल है कितना बार? चार दूनी। एक बार ई दू के मल्टीपल है कितना बार? चौके। दू चौके 8। अकेले अकेले बोला जाएगा गुना में तो मल्टीपल आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो चार का मल्टीपल है दो बार में, दू का मल्टीपल है चार बार में 8, लेकिन ये दोनों का अगर इकट्ठा बोलना पड़ा कि 8 क्या है तो बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, गुणाफल। ठीक है, प्रोडक्ट का आंसर। कोई दिक्कत? लेकिन अब ये दोनों का तो ये हुआ, लेकिन ये इन दोनों का क्या लगेगा? ये भी तो सोचने वाला बात है। तो ये प्रोडक्ट हुआ किसका? प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट है? 2 and 4। अब तो क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2। ये दोनों अब उसका क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ किसका फैक्टर? जो भी दो नंबर मल्टीप्लाई होके एक नंबर दूसरे को बनाते हैं वो उसको बनाने वाले जो होते हैं उनको फैक्टर कहा जाता है। तो जो 8 को बनाया मल्टीप्लाई करके वो बनाने वाला उसका क्या हुआ? फैक्टर। और जो बन गया बनने वाले के लिए जो बनने में इस्तेमाल था उसके लिए जो बन गया वो हुआ प्रोडक्ट। कोई क्लियर बात? ये तो 8 दो और चार का प्रोडक्ट है और दो और चार 8 का फैक्टर है। कोई दिक्कत? इसी तरह फैक्टर और मल्टीपल नंबर्स के संदर्भ में कम से कम हम समझ गए, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4, 8। 8 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। पता कैसे करें? चेक करते हैं। देखो 1 8 8। ठीक है, 2 4 8, 4 2 8, 8 1 8। तो इसीलिए
समझ गए? एक दो चार आठ, आठ का फैक्टर है। ऑल राइट, कोई दिक्कत? अब इससे ज्यादा और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो आठ को डिवाइड कर सकता है। अब एक और बात है, फैक्टर का प्रॉपर्टी, फैक्टर का विशेषता, ठीक है, फैक्टर की विशेषता, फैक्टर्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी माने विशेषता। आठ को हम ले लिए, जब आठ को जिस नंबर से डिवाइड किए और उसके बाद अगर आंसर आ गया डिवाइड होता हुआ तो वो फैक्टर है। जो नंबर आठ को डिवाइड कर देगी वो आठ का फैक्टर कहलाएगी। एक अठे आठ, आठ को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा जी, देखो ना, वन एट जा एट, खत्म कहानी। अब इसको दो से डिवाइड करें, खत्म कहानी। यानी कि आठ को दो से भी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ रहा है, रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से आठ को जब हम चार से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है दो, आठ को जब हम आठ से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है एक, आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, समझ गए नहीं? लास्ट में रिमाइंडर जीरो जीरो हो जाएगा ना हर जगह, तो इसीलिए जो भी नंबर, जो किसी एक नंबर के जो उसके फैक्टर्स होते हैं उनकी बात स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है, स्पेशल बात कि वो उसे पूरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। आठ को एक को डिवाइड कर देगा, आठ को दो भी डिवाइड कर देगा, आठ को चार भी और आठ को आठ भी। अगर डिवाइड नहीं कर पाया तो वो फैक्टर नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, पता करो कि पंद्रह का फैक्टर दस है कि नहीं, तो जरा हम बताते हैं, पंद्रह का फैक्टर दस है कि नहीं चेक करना है। दस एक दस पांच, अब तो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर आ गया ना, समझे बात को? तो दस इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन दस बीस का फैक्टर है कि नहीं चेक करते हैं। दस दूनी बीस, कहानी खत्म। हाँ फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं आया, तो फैक्टर कैसे चेक करना है पता चल गया ना। कुछ ऐसे विशेष नंबर लेते हैं और उनके फैक्टर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए 36 का फैक्टर निकालते हैं। किसका? 36। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फैक्टर्स ऑफ 36, पहला 36 को जो डिवाइड कर देगा, दुनिया का सबसे छोटा नंबर बताइए, वन। एक 36 है 36, बहुत बढ़िया। दो से 36 डिवाइड होगा, दो 18 मरतबे नहीं होगा, दो से तीन से होगा, तीन 12 मरतबे, बहुत बढ़िया। चार से होगा, चार 9, छ से होगा, छवे है ना, छ छठे। इसके बाद सात से होगा, नहीं, आठ के पहरा में आएगा, नौ के पहरा में आ जाएगा, नौ चौके 36, दस के पहरा में, ग्यारह के पहरा में आएगा, अच्छा ग्यारह का पहरा में आएगा, बारह के पहरा में आएगा, बारह तिया 14 में नहीं आएगा, पंद्रह में नहीं आएगा, 16 में नहीं आएगा, 17 18 में आएगा, 18 दूनी। अब ओकरा बाद ना 19 में आएगा, ना 21 22 23, कहानी खत्म। कहाँ आएगा एक बार, अब 36 36 में, 36 एक 36। तो अब इसको चेक करो 18 से हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, वो तो गया, निकल गया। तो इन सब से ये अकेले अकेले डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं पता चल गया, और फैक्टर कौन है वो भी पता चल गया, जेकर पहाड़वा में वो आई वह ऊपर फैक्टर हो। तो थोड़े देर पहले हमने आठ के फैक्टर्स देखे, एक दो चार और आठ, तीन कहाँ से आता है भाई? तो एक दो चार आठ, आठ के फैक्टर्स थे। अब इसके मल्टीपल निकालते हैं। पहला मल्टीपल क्या होगा, आठ एक आठ, दूसरा आठ दूनी 16, तीसरा आ, भुला गए क्या, आठ 24, ठीक है, और आठ चौके 32, और बोला 40। अरे भाई जल्दी जल्दी बोला, और 56, भुला गए, नहीं सर, ठीक है, इसी तरह से यह चलता रहेगा। तो क्या रुकेगा ये कभी पहाड़ा? नॉन स्टॉपिंग है। तो किसी का सारा मल्टीपल लिखना संभव है, काहे के वो पहाड़ा चलते रहेगा। तो किसी का फैक्टर तो लिमिटेड होता है, चार गो पांच गो छह गो दस गो, अनगिनत नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल अनगिनत होता है।
मल्टीपल का कोई स्टॉपिंग नहीं है, लेकिन फैक्टर आठ का फैक्टर चार को है, एक दो चार और आठ, एक दो चार आठ है ना, उसको डिवाइड करेगा, लेकिन मल्टीपल व अनगिनत ट्रू होता है। कोई दिक्कत? फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं। फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं, एक नंबर के फैक्टर सीमित हो सकते हैं, चार टू पांच टू छह सात आठ गिन सकते हैं नंबर को देखते हुए, लेकिन मल्टीपल्स उसके अनगिनत होते हैं। जैसे कि पांच की यहाँ पंद्रह की, सॉरी मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल रखा हुआ है, पंद्रह एक तीन पांच और पंद्रह से सिर्फ डिवाइड होगा, इसीलिए इसके फैक्टर सिर्फ चार हैं, ठीक है। बट इसके मल्टीपल्स देखो पंद्रह के, पंद्रह तीस पैतालीस साठ पचहत्तर नब्बे एक सौ पांच, इसी तरह से और आगे की ओर चलता जाएगा अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो पता चल गया मल्टीपल लिखना सारा संभव नहीं है, लेकिन सारा फैक्टर लिखना तो संभव है ना। क्लियर ना।